देवी और सज्जनों, आज आपके माध्यम से मैं राष्ट्र के हर नागरिक को देश की संसद में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के वक्तव्य से अवगत पुनः कराना चाहती हूं। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृहमंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृहमंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। I'll now leave the floor open for questions. Devendra Parasar, India TV. हाँ जी, आपके तीन प्रश्न हैं विविध विषयों पर। पहला प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ये सोच रखते हैं कि जिस डायनेस्टी के छत्र छाया में वो अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं उस एक परिवार को विशेष नरेंद्र मोदी जी का अपमान पसंद आएगा। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर नहीं बल्कि उनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका है उन पर भी इस प्रकार की अमानवीय टिप्पणी की है। पहले भी मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों के मुख से नरेंद्र मोदी जी को मौत के घाट उतारने वाले वाक्य सुन चुके हैं। गालियों की श्रृंखला में एक और वाक्य पुनः जोड़ा है कांग्रेस के एक नेता ने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है गांधी खानदान से कि वो प्रधानमंत्री जी और उनकी स्वर्गीय मां पर हुई इस अभद्र टिप्पणी पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर गांधी खानदान पुरस्कृत करेगा। आपका दूसरा प्रश्न था लाल डायरी पर। मैं स्तब्ध हूं ये जानते हुए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि को
निर्देश करता है कि सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर वो खलल दे और एविडेंस चुराकर भागे। एक ये केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का है, दूसरा डायरी लाल हो पीली हो या हरी, अब ये साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त हैं कांग्रेस के काले कारनामे। आपका देवेंद्र जी एक और प्रश्न है, लेकिन अगर सारे प्रश्न आप पूछेंगे तो आपके बाकी साथियों के पास प्रश्न पूछने का समय बचेगा नहीं। मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। मैं अल्पसंख्यक मंत्री के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, देश का कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को यह इजाजत नहीं देता कि वो किसी को अपने धर्म से विहीन करे। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं, मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें यह ज्ञात हुआ है कि किसी एक नॉन स्टेट एक्टर एक संगठन के फतवा को सरकारी ऑर्डर में तब्दील किया गया है। यह भी संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध है। हमने प्रदेश की सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके हमें सूचित करें। हाल ही का जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, वो गठबंधन इतना अनोखा कि अब कोई चारा खाता है कोई गोबर। तो ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार को स्पष्ट करना होगा कि हमने सुना था पहले शराब में घोटाला करते हैं, अब गोबर में भी करने लगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ना मैंने फिल्म देखी है ना मुझे ज्ञात है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कौन लिप्त हैं। निश्चित रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पर ना सिर्फ टिप्पणी कर सकता है बल्कि कार्रवाई भी। क्या विपक्ष इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, बंगाल में महिलाओं को नग्न करके 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, आज ही मुर्शिदाबाद की एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी जहां पर एक महिला को इसलिए किया गया क्योंकि उसने कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का समर्थन किया। मेरा इस विषय पे एक निवेदन है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साधकर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रिविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है, मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए ताकि महिला का रिविक्टिमाइजेशन ना हो। क्यों कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए बंगाल की एक महिला को
नग्न किया जाता है और कांग्रेस चुप बैठती है। ये तो स्पष्ट है नीरज जी, उनके लिए सत्ता इंसाफ से ज्यादा प्रिय है। शायद इससे भी कांग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मणिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष वहां जाकर आग को और क्यों भड़का रहे थे। मैं तो पुनः अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज गृहमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आइए सदन में चर्चा कीजिए, वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं पुनः कहती हूं कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है, ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने। मैं इतना ही कहूंगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देना यह अपने आप में ममता सरकार का संकेत था कि वो नहीं चाहते कि रामनवमी में जो घटना घटी हिंसक उस पर जनता को न्याय मिले और विशेषतः हिंदू समाज को न्याय मिले। इसीलिए उनका सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देना यह स्पष्ट संकेत है कि ममता जी नहीं चाहती कि ट्रांसपेरेंट जांच हो। मैं आभारी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी से संबंधित हिंसक घटनाओं की जांच एनआईए के पास रहे, इस बात को प्रखरता से कहा। द गांधी फैमिली हैज ऑलवेज हैड अ मॉर्बिड व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक ऑफिस, that they have contributed to scams worth 20 lakh crores in the country is something that the Congress never comes clean on. I congratulate HAL for showing growth as per your pronunciation and even what the market summary says of 388% in the past 5 years. I would also like to highlight that we now as a country have become the fourth largest exporters in electronics. That the Prime Minister's PLI scheme for smartphones has in fact contributed 52% to electronics exports is yet another manifestation of the success of Make in India. That the Congress party and particularly the dynasty was never in support of Make in India, these results and especially the stupendous performance shown by HAL is a remarkable response to the dynasty. Main dobara keh rahi hu, aaj Chhattisgarh ki ek ghatna video ke madhyam se punah वायरल की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, विपक्ष उस पर चर्चा नहीं चाहती। मुर्शिदाबाद में एक महिला को नग्न मात्र इसलिए किया गया क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन कर रही थी पंचायत के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी इस पर भी चर्चा नहीं चाहती। बिहार में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, कांग्रेस पार्टी इस पर भी चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सिलेक्टिव आउटरीच तक सीमित करना चाहती है, ये राजनीति उनकी पूरा राष्ट्र समझता है। लेकिन विषय मणिपुर का जहां तक है, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। जब देश के गृह मंत्री जो इस मंत्रालय के अंतर्गत उस विषय पर संवैधानिक जिम्मेदारी रखते हैं स्वयं सामने से कह रहे हैं आइए चर्चा कीजिए, तो मणिपुर की हिंसा का ऐसा वो कौन सा तथ्य है जो कांग्रेस पार्टी छुपाना चाहती है।